नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डाल लेते हैं छिंदवाड़ा से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। जन सुनवाई में आज कलेक्टर जेके जैन को छिंदवाड़ा जिले के रहवासियों ने अपनी अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन दिए। इस दौरान 223 आवेदन आए। वहीं लोगों ने मुख्य रूप से गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवाने, जॉब कार्ड बनवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने और संबंधित आवेदन देकर कलेक्टर से इसके निराकरण की गुहार लगाई। नगर निगम कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आज निगम के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने सहायक आयुक्त को अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया, जिसके बाद सहायक आयुक्त ने निराकरण की बात कही। सांसद कमलनाथ दो दिवसीय दौरे पर आज छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थकों ने जय जय कमलनाथ के नारे लगाए। वहीं इसके बाद कमलनाथ ने पांडुर्ना विधानसभा में दो स्थानों पर सभा की। इनाम सभा के दौरान कमलनाथ ने ग्राम कांग्रेस कमेटियों को सक्रिय करने की बात कही। कमलनाथ ने घुड़नखापा और नांदनवाड़ी के देवनाला में आम सभा को संबोधित किया। पहली बार सांसद के यहाँ पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। सार्वजनिक क्षेत्र की दूर संचार कंपनी BSNL के कर्मचारियों की अभी तक वेतन नहीं बढ़ाए जाने के कारण दो दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। अधिकारी कर्मचारियों का कहना है कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी विरोधी नीति और BSNL प्रबंधन तंत्र के मनमाने रवैये के कारण सभी अधिकारी कर्मचारियों को समय समय पर आंदोलन करना पड़ा, लेकिन सरकार और BSNL प्रबंधन तंत्र इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांग का अभी तक निराकरण नहीं किया गया, जिस कारण कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। नगर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री धर्मेंद्र वंशकार के नेतृत्व में शहर के अलग अलग वार्डों के युवाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान धर्मेंद्र वंशकार ने विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह से मुलाकात भी की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ईएमएस टीवी और बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।